गुजारिशात के लिए आपके हजरात से पहले यहाँ पर बैठा हूँ। बहुत लंबा चौड़ा जलसा भी करना नहीं है, वक्त का भी ख्याल रखना है। आते हुए हम लोगों ने मशवरा किया कि जलसे की क्या तरतीब होनी चाहिए और कितनी देर तक जलसा चलना चाहिए। बहुत ज्यादा ताखिर हो जाए तो उसमें दुश्वारी होती है और लोग जो है बेजार हो जाते हैं। कुछ ज़रूरियात भी होती हैं, कुछ तकाजे भी होते हैं। कम वक्त में जो बात कही जाती है तो वो मजमा बशाशत के साथ बैठा हुआ रहता है और वो बातें जो कही जाती है वो बशाशत से सुनता भी है। लेकिन मैं हमारे उलमाए किराम मेहमानों के किराम से अर्ज करूँ कि हमारे अहमदपुर के बाशिंदगान माशाअल्लाह आप जल्दी करेंगे तब भी बशाशत से बैठेंगे और अगर ताखिर हो जाएगी तब भी ये बशाशत के साथ बैठेंगे। सब बैठेंगे ना भाई? अब हमारे दरमियान जो उलमाए किराम हैं हजरत मौलाना मुफ्ती महबूब अहसन साहब कासमी इकामत बरकातुहु, ये हमारे अपने इलाके की एक मशहूर शख्सियत है और एक ज़माने से खामोश खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका खिताब होगा। फिर हमारे नांदेड़ में जो दारुल कज़ा चलता है जिसके काजी हैं काजी शहर नांदेड़ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब साहब कासमी, वो भी हमारे इलाके की बड़ी शख्सियत है, उनका भी खिताब होगा। और हमारे आज के इस इजलास के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद शाकिर साहब कासमी दामत बरकातुहु, वो भी अपना एक मकाम रखते हैं और उनका भी अपना एक काम है। ये सभी शख्सियात अपने इलाके में बहुत अच्छे अंदाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे हमें हमेशा फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वक्त कम है और ये हमारे उलमाए किराम यहाँ के प्रोग्राम को देखकर जो गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ है, हमारे जो मेहमान हैं वो थोड़ा माजरत कर रहे थे कि भाई वक्त काफ़ी हुआ। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 7 बजे अगर प्रोग्राम शुरू होगा तो मैंने कहा कि अभी 5-10 मिनट मैं बात करूँगा, 10-15 मिनट हमारे एक मुफ्ती साहब, दूसरे मुफ्ती साहब 10-15 मिनट बात करेंगे और फिर आधा पौन घंटा सदर साहब की बात होगी और दरमियान में हजरत मौलाना अनवारुल हक साहब उनका भी कुछ खिताब होगा, लेकिन वो आज किसी वजह से नहीं पहुंच सके। ये हजरात माजिरत कर रहे थे लेकिन बहरहाल हमें तो सुनना है और मैं तमाम से गुजारिश करने के लिए बैठा कि यकसुई के साथ और इत्मीनान के साथ बैठे, जो बात कही जा रही है उसे तवज्जो के साथ सुने। आप जितनी तवज्जो के साथ और जितने इन्हमाक के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उतनी ही बात सुनने में आपको लुत्फ भी आएगा
और उतनी ही बात आपके समझ में भी आएगी, और जब बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपको उस पर अमल करना भी आसान हो जाएगा। बेतवज्जोही से सुनेंगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, और जब समझ में नहीं आएगी तो अमल का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने अहबाब बैठे उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सुकून से इत्मीनान से बैठे, और जो हमारी माए बहने जिनके लिए इंतजाम किया गया है उन तक ये बात पहुंच रही है, उनसे भी गुजारिश है कि जो बातें कही जाए उन बातों को गौर से तवज्जो से सुने। तकरीर जो है वो बहुत मुख्तसर होती है, जितनी ज्यादा तकरीर होगी लोग ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना ये कमाल है, कमाल कम बोलना है। एक मर्तबा एक तकारीर का मुकाबला हुआ कि जो सबसे छोटी तकरीर करेंगे उसको इनाम मिलेगा। सबसे छोटी तकरीर, सबसे कम वक्त में जो तकरीर करेंगे उनको इनाम मिलेगा। लंबी चौड़ी बात करने के लिए मुताले की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था गोया के चुनाचे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये बोल के आदमी खींचता रहता है, लेकिन मवाद वाली बात जिसमें कुछ काम की बातें होती है, ये जितने हमारे मेहमान बैठे हुए हैं ये बगैर तैयारी के और बगैर मवाद के तकरीर नहीं करते, इनके एक एक जुमले के अंदर इबरत और नसीहत होती है। पूरी तैयारी के साथ मुताले के साथ ये हमारे पास तशरीफ लाते हैं, तो इनकी एक एक बात कीमती होती है। बहरहाल मैं इस मस्जिद के लिए जिन हजरात ने जगह इनायत की है उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन वो इस जगह से पैसे भी कमा सकते थे, इसके जरिए से वो अपने कारोबार और तिजारत को फरूग दे सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाली और उन्होंने इस टीम की जगह को अल्लाह के घर के लिए उन्होंने वक्फ किया, वो यकीनन काबिले मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उनके इस काम को और इस जज्बे को कबूल फरमाए और इसी तरीके से हम सबको ये जज्बा अता फरमाए। और इस मस्जिद को जो तामीर किया गया है, जिन जिन हजरात ने इसमें हिस्सा लिया, जिसका जिस तरीके से भी हिस्सा इस मस्जिद के अंदर लगा, वो यकीनन काबिले मुबारकबाद है। और इस मस्जिद को जिसके नाम से मौसूम किया गया है, जिस वक्त ये हादसा हुआ था हम सब थे यहाँ पर, और उनके अफराद खानदानी नहीं बल्कि अहमदपुर शहर में हर शख्स गमजदा था। एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था, अल्लाह ताला उस हादसे में जितने लोग शहीद हुए थे अल्लाह को जो प्यारे हुए, तीन अमवात हुई थी, अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए। देखिए सबसे बड़ी खुशनसीबी उनकी यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें जन्नतुल बकी में मकाम अता फरमाया, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है और एक बहुत मुकद्दर वाले थे वो। और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि उनके अजीजों ने एक बहुत बड़ा काम किया कि उनके नाम से इस मस्जिद को मौसूम किया। आज उनके अहिबा उनका बच्चा मेरे सामने है, और बहुत अजीब तरह का बहरहाल बहुत खिदमत गुजार खातून थी, बहुत नए खातून थी। मैं जब उम्रे के मौके पर गया तो मैं तौहीद भाई के मकान पर गया था, उन्होंने उस मौके पर बहुत खिदमत की थी, बहुत नए खातून थी वो। अल्लाह ताला ने उनकी नेकी को कबूल किया और आज वो जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है। हदीस पाक के अंदर आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतुल बकी में जो मदफून होते हैं उनकी शफात और उनकी मगफिरत में, उनकी मगफिरत और शफात वाजिबी है, यकीनी है, वो मकाम पा चुकी है। और आज जो है उनके नाम से ये मस्जिद मौसूम हुई, अब कयामत तक यहाँ पर जितने सजदे होंगे, जितनी तिलावत होगी और जो जिक्र अजकार होंगे, जो दीन की मेहनतें होंगी, जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, कोई नियत करे या न करे, ये तमाम की तमाम नेकियों का सवाब उन मरहुमा को पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बेहतरीन फैसले फरमाए, उनके पसमंदारान को सब्र जमील अता फरमाए, और इसी तरीके से हम सबको अपने मरहूमीन के लिए इसी तरह के कोई कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।